डे वन 2005 में जब ये इमेज बाज़ार का आइडिया आया था ये जो वेबसाइट है इस पर काम शुरू हुआ एक साल तक दिन रात इसके ऊपर काम चलता रहा चलता रहा और एक साल बाद में 2006 में जब इसको लॉन्च किया तो इट वॉज़ अ कम्प्लीट डिजास्टर इट वॉज़ अ फेलियर मैं रोज़ की तरह वॉलीबॉल खेला अपने फ्रेंड्स के साथ में उसके बाद में मेरा एक रूटीन था कि मैं और मेरा एक फ्रेंड वन ऑफ माई चाइल्ड फ्रेंड्स हम दोनों रात को वॉक करते थे ग्यारह बजे तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा यार एक बात बता चक्कर गया है मैंने तुझे इतनी बार देखा है कि तेरी लाइफ के अंदर इतनी मेजर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लेकिन अगले दिन तू फिर नॉर्मल हो जाता है वो कहता है यार देख बिल्कुल साफ है जिस दिन ऐसा कुछ होता है जब मैं कुछ सोच रहा होता हूँ कि ऐसा होना चाहिए और वैसा नहीं होता उस दिन तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ लेकिन अगले दिन मैं नॉर्मल इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि रोज़ रात को पिछले चार साल से मैं गाना सुनता हूँ तो मैंने कहा यार उससे क्या होता है कहता है अभी अभी बताता हूँ क्या होता है लेकिन कहता है मैं देखो गाना नहीं बता सकता कौन सा है तू बहुत हंसेगा यार तू मजाक उड़ाएगा मेरा मैं कह नहीं नहीं बोलना कौन सा गाना है कहता मुसू मुसू हंसी देव म लई लगी इस गाने की खास बात यह है इस मूवी की खास बात यह है कि इसमें जितनी भी स्टार कास्ट थी वो सारी नई थी मतलब इसमें कोई भी पुराने एक्टर्स नहीं थे सारे नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थे तो कहता है मैं जब भी इस गाने को सुनता हूँ तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और अपने आगे ना एक सिचुएशन को इमेजिन करता हूँ कि हम एक मूवी थिएटर में बैठे हैं मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे साथ में हैं मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ में हैं तू है मैं हूँ हम सब लोग हैं और उस बड़ी स्क्रीन पर मैं हूँ मैं हूं so, ये जो छोटी सी चीज सुनने में लग रही थी ये मेरे को समझ आ गई थी कि कुछ बड़ा है इसके अंदर मैं इमीजिएटली घर गया मैंने कहा ये एक बार सुनता है ना गाना मैं पचास बार सुनूंगा एक दिन में देखता हूं क्या होता है क्योंकि तो मैं ना कोरिलेट कर रहा था चीजों को मैंने एक बुक पढ़ी थी थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल किसने पढ़ी है यहाँ पे पढ़ी है ओके okay. सो so, उसमें एक इमेजिनेशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर था और जब मैंने वो पढ़ी तब मैंने कुछ नहीं किया मैंने कहा छोड़ना इमेजिनेशन चैप्टर पढ़ा और आगे निकल गया सुना उस टाइम पे बहुत अच्छा लगा लेकिन आगे निकल गया लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने अपने दोस्त को ये करते हुए देखा तो मैंने कहा करके देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है घर गया जहाँ करके एक सी पड़ी हुई थी ऑडियो सी ऑफ वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स वो सॉन्ग मेरा फेवरेट होता था उसको मैंने सुनना शुरू कर दिया लूप में लगा करके पागलों की तरह मतलब शुरू में मैं एक बार सुना दो बार सुना तीन बार सुना धीरे धीरे फील आने लगी धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ एनर्जी सी चल रही है कुछ हो रहा है और मैं सिर्फ एक ही चीज़ इमेजिन करता था उस सॉन्ग को सुन करके उसको प्ले कर देता था लूप में बार 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 और सिर्फ ये इमेजिन करता था जो मेरा अल्टीमेट एम था वो क्या था कि मेरी जो साइट है इमेज बाज़ार वो सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की सबसे फास्ट साइट बन चुकी है उस साइट में प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ही स्लो थी मतलब एक सिंपल सी सिंपल सर्च क्वेरी भी एक मिनट दो मिनट लगा देती थी और जब ज्यादा ट्रैफिक आया था तो साइट डाउन हो जाती थी कई कई घंटे के लिए जिस वजह से क्योंकि साइट डाउन रहती थी तो कोई आता ही नहीं था या साइट इतनी स्लो थी इसलिए कोई नहीं आता था तो मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि ये फास्टेस्ट साइट बन चुकी है पूरे वर्ल्ड की और सिर्फ वही इमेजिन करता रहता था आंख बंद करके मुझे नहीं पता था ये कैसे होगा कैसे होगा करता रहा करता रहा करता रहा तो तीसरे दिन रात को साढ़े बजे जब ये गाना चल रहा था तो उसमें मेरी एक फेवरेट लाइन होती थी घर वाले सब सो चुके थे मैं शीशे के सामने जाके खड़ा हुआ और ये लाइन गाने लग गया चीक चीक करके डू यू वॉन्ट मी टू सिंग ओके तो अपने कान बंद कर सकते हो आप लोग अगर चाहो तो बाद में मत बोलना कि वार्न नहीं किया था मेरे को <laughs> रोके तुझको आंधिया क्या जमीन और आसमा पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य को हर हाल में पाना है बड़ी अजीब सी लगी ये बातें सुनने में लेकिन मेरे को पता नहीं ऐसी अजीब अजीब चीजों में बहुत मजा आता है तो ये जब किया उधर से बाहर से मेरी मदर की आवाज आई संदीप बेटा तुम अकेले नहीं रहते इस घर में सुबह छह बजे मेरी नींद खुली मैंने ठान लिया मैंने कहा अब जब तक ये साइट ठीक नहीं हो जाएगी जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा मैं घर नहीं आऊंगा मैं ऑफिस में बैठा रहूंगा आठ दिन तक पागलों की तरह नेट पे बैठ करके ढूंढ रहा था जवाब ढूंढ रहा था कि क्या होगा कैसे होगा क्या करूंगा क्या नहीं और ढूंढते 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 धीरे धीरे अब मैंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया आई लर्न द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग ऑन माई ओन आई लर्न हाउ टू रीड कोड्स आई लर्न हाउ टू ऑप्टिमाइज सर्च क्वेरीज आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो इस बात को डेटाबेस जो डिजाइन था हमारी जो पूरा का पूरा जो पीछे का स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल बेकार था तो मैंने जब वो सारा कुछ किया डेटाबेस डिज़ाइन बनाया पेपर पे ही अपना पेन पेपर ले करके ये सब करने के बाद में क्या हुआ वो जा करके मैं अपनी प्रोग्रामिंग टीम के साथ बैठा उनको बोला कि ये हमको करना है उसके बाद में उनको बताया कि इस चीज़ को ऐसे प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करो दिस वॉज द प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम बहुत चीज़ें हुई पंद्रह दिन बाद वो साइट लॉन्च हुई वापस से रिवैम करके और अब बार वो साइट नहीं रुकी चल रही थी तो वो जो चीज़ दो मिनट लग रही थी एक मिनट लग रहा था इट केम डाउन टू वन सेकेंड टू सेकेंड मतलब सब सारी प्रॉब्लम सॉल्व और ही ये चीज़ हुई उसके एक महीने के अंदर अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगा ट्रैफिक आ गया साइड के ऊपर लोग आने शुरू हो गए सेल्स होनी शुरू हो गई सब कुछ ठीक हो गया सारी प्रॉब्लम जैसे कभी थी ही नहीं ऐसा लगने लग गया डे टू हम फैमिली uh, के साथ uh, सब लोग बैठे हुए थे एक रेस्टोरेंट में इट वॉज इन दर टू थाउजेंड सेवन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था मेरे दॉ समथिंग विच वॉज गोइंग ऑन और वो क्या था कि हमारा जो बिजनेस था ये जो इमेज बाजार था ये ना ग्रो नहीं कर पा रहा था इट वॉज काइंड ऑफ स्टक एट द सेम लेवल जैसे जो सेल्स जब साइड ठीक हुई उसके बाद एकदम से ऐसे गई देन इट वॉज मूविंग लाइक दिस एक स्ट्रेट ग्राफ की तरह मतलब इट वॉज नॉट गोइंग लाइक दिस ऐसे नहीं हो रहा था उस रेस्टोरेंट से जब खाना खा के हम नीचे उतरे तो मैं गया उस रेस्टोर के ओनर के पास में जिनको हम प्यार से मामा बोलते थे मैं और मेरे सारे दोस्त उनके पास में गया मैंने कहा मामा यार एक बात बताओ यहाँ पे हमारे एरिया में पता नहीं कितने रेस्टोरेंट खुले होंगे उसमें से बहुत सारे तो बंद हो गए और कुछ हैं जो धक्का दे दे करके चल रहे हैं चलते जा रहे हैं लेकिन आप हो आपने एक छोटे से सेटअप से शुरू किया था एक सिंगल छोटी सी दुकान से और आज आपने इतना एक्सपैंड कर लिया मतलब पहले एक दुकान थी अब आपकी ऊपर इतनी सारी दुकानें ले ली आपने दो फ्लोर्स ले लिए और आप एक्सपैंड करते ही जा रहे हो इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हो भाई चक्कर क्या है क्या चक्कर है मतलब कुछ ना कुछ तो है ना कहानी तो जैसे एक नॉर्मल रिएक्शन होता है उन्होंने कहा अरे बेटा कुछ नहीं है सब ऊपर वाले की कृपा है मैं नहीं मामा कुछ ना कुछ है कुछ तो है मतलब मैं नहीं मान सकता कि ऐसे ही मतलब ये तुक्का नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता और मैंने उनके मुंह पे बोला मैंने कहा ऐसा भी नहीं है कि आपका जो खाना है वो बहुत टेस्टी है मैं, मैं कहा तेरा ऑफ अदर रेस्टोरेंट्स जिनका खाना आपसे अच्छा है फिर भी वो इतना नहीं चल रहे कहते लगता है तू नहीं मानने वाला मैंने कहा नहीं कहते एक घंटे बाद आई हो फिर बताऊँगा मैं अपने घर वालों को ड्रॉप करके आया उन्होंने अपना थोड़ा बहुत काउंटर समेटा ऊपर सीढ़ियों पर जाने लगे मैं और वो दोनों गए उनकी किचन में चले गए फिर उन्होंने जा करके अपने आदमियों से बोला जो भी वहाँ पे किचन में काम कर रहे थे हाँ भाई हो गया सबका चलो समेटो फिर तीन लोग उन्होंने तीन बड़े बड़े बगोने उठाए पतीले होते हैं बगोने बड़े बड़े बोल उसमें एक में दाल मखनी थी एक में ग्रेवी थी एक में थोड़ा डार्क से कलर की ग्रेवी थी वो उठाए और बाहर निकल गए वहाँ से नीचे सीढ़ियों पर जाने लग गए नीचे उतरने लग गए नीचे गए सड़क पर चले गए मैं भी पीछे पीछे मैंने कहा देखता हूँ भाई क्या चक्कर है क्या कहानी है सड़क पर जा करके उन्होंने तीनों ने वो ले जा करके नाली में डाल दिया है मेरे को समझ नहीं आया मेरे को अभी भी क्लियर नहीं हुआ मैंने कहा ये क्या है मामा ये इससे इससे आपकी सक्सेस का क्या कनेक्शन है तो उन्होंने एक ऐसी लाइन बोली कि मैं हिल गया कि मैं हर रोज़ अपनी तसल्ली के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूँ उन्होंने बोला और वहाँ से चले गए मैं वहीं खड़ा रह गया मैं सोच रहा था मैंने कहा इसका क्या मतलब है मैं घर गया नींद नहीं आ रही थी सोचता रहा दिमाग चल रहा था मैंने कहा इसको ब्रेक कर करके समझना पड़ेगा एक बार में पूरा समझ नहीं आएगा तो उसका पहला पार्ट कि मैं हर रोज मैंने कहा समझ आता है इसका मतलब है। यहां तक समझ आता है अपनी तसल्ली के लिए ये सेकंड पार्ट था उसका मतलब के वो ये जो कर रहे हैं वो अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी और की तसल्ली के लिए नहीं कर रहे कोई और कौन मैं जो उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता हूं या मेरे जैसे और बहुत सारे लोग मतलब कि उनके कस्टमर्स यहां पे बात कर रहे हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन की ये अपनी तसल्ली की बात कर रहे हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं और मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा हमारी प्रॉब्लम कि हमारी प्रॉब्लम क्या है इमेजेस बाजार की प्रॉब्लम क्या है कि हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे जा करके रुक गए हैं अटक गए हैं कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया शांति से बैठ जाओ ना तो इस वजह से हम शांति से बैठे हुए थे हमने कहा हां सब सही है सही है सही है तो यहां पे समझ आने लगा मेरे को समझ आने लगा कि मुझे क्या करना है और उसका जो लास्ट पार्ट था उनके डायलॉग का कि मैं अपनी तसली के लिए अपने पैसे को नाली में बहा देता हूं इस डायलॉग ने मुझे हिला के रख दिया अंदर तक ये मेरे को समझ नहीं आ रहा था हमारी फैमिली में मतलब मेरी फैमिली में क्या होता है कि अगर हम एक स्कूटर भी खरीदते हैं ना तो उसकी जो पॉलीथिन है वो एक महीने बाद उतारते हैं मतलब इतना हम पैसे को बचा बचा करके चलते हैं सिर्फ एक ही चीज़ सुनी है सीखी है बचपन से आज तक मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड कि बेटे पैसे को बचाओ पैसे को बचाओ तो इस तरीके से मैं चल रहा था और दूसरी तरफ ये आदमी क्या बोल रहे थे कि पैसे को नाली में बहा दो समझ आया मैंने कहा कि ये ही दम चाहिए ये करना है किसी तरीके से और अगर मैंने ये कर दिया तो काम हो गया मैं गया जा करके अपने ऑफिस में सबकी मीटिंग बुलाई जा करके उनको बोला मैंने कहा अब से हमें अपने पैसे को नाली में बहाना है <laughs> तो, <laughs> तो सब मेरी शक्ल देख रहे बैठ करके कहते ये क्या बोल रहे हैं मैं ओ सॉरी 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 मैं समझाता हूं कि हमें क्या करना है हमें अब से अपने सेटिस्फैक्शन 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 के बारे में सोचना है तुम्हारा मेरा satisfaction, हमारा satisfaction। एक दिन में हम अगर सौ इमेजेस भी शूट कर सकते होंगे तो हम सिर्फ पच्चीस तीस इमेजेस करेंगे लेकिन वो पच्चीस तीस इमेजेस ऐसी होनी चाहिए कि आंखें फट जाए देख करके तुम्हारी भी और मेरी भी तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम्हें किस तरह का शूट करने में मजा आएगा ऐसा क्या होना चाहिए कि तुम्हें मजा आए छोड़ो क्लाइंट को छोड़ो मुझे पैसा कितना भी लग जाए बह जाए कोई टेंशन नहीं है कहते सबसे पहले हमको फोटोग्राफी इक्विपमेंट्स जो हैं वो नए लेने होंगे अभी हम इंडियन यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर लाइट सॉरी वो सारी चीज़ें कहते वो अगर हम इंटरनेशनल ले, ले लेते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है तो हमारी क्वालिटी बढ़ सकती है मैंने कहा ले लो डन मैंने कहा कल ही लो परसों तक भी नहीं रुकेंगे वो हो गया मैंने कहा और क्या कर सकते हैं कहते और हम जो लोकेशंस हायर करते हैं अपने शूट के लिए वो अभी हमारा एक बजट है पाँच सात हज़ार रुपये का अगर हम उसको बढ़ा देते हैं मैंने कहा कितना बढ़ाना है कहते हैं बीस पच्चीस हजार रुपये में बहुत अच्छी लोकेशन आ सकती है मैंने कहा करो मैंने कहा इंडिया से हम फॉरन में मॉडल्स लेकर के जाएंगे वहां जाकर के शूट करेंगे करो ऐसे हर चीज का बजट बढ़ा दिया एक्साइटमेंट किस लेवल पे था आई कांट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स उस टाइम पूरी की पूरी टीम का सबको इतना मजा आ रहा था रोज एक ऐसा शूट निकल के आ रहा था जो पहले वाले से लाख गुना बेटर था दो महीने बाद पूरी की पूरी ये नई कलेक्शन हमने लॉन्च करी अपनी साइट पे एंड यू वॉन्ट बिलीव इट उसके एक महीने के अंदर अंदर हमारी साइट पे जब मैंने पीछे एनालिटिक्स से देखा ट्रैफिक दस गुना बढ़ गया टेन टाइम्स इन वन थ्री <laughs> <laughs> दिमाग मेरा बन चुका था एक ऑंट्रोप्रेन्योर का ऑनट्रोप्रन्योर बिल्कुल एक ऑन्ट्रप्रन्य की तरह सोच रहा था कि ये जो हमारा बिज़नेस है इमेजिस बाजार चाहे कितना भी अच्छा हो बट हम एक नीच सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं सो देर इज अ लिमिट टू वेयर वी कैन ग्रो साल का अब हम 30-40 परसेंट से ग्रो कर सकते हैं बट अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो वो नहीं हो सकता अगर मैं ये चाहूं कि इसकी रेवेन्यूज को यहाँ से बढ़ा करके दस हज़ार करोड़ कर दूँ तो नहीं हो सकता उसके लिए एक आइडिया आया उस आइडिया पे काम करना मैंने शुरू किया ऑलमोस्ट पाँच महीने तक मैंने काम किया दिन रात उस आइडिया पे आई टेल यू दैट आइडिया वो क्या था इट वॉज वेरी सिंपल एयर प्योरीफायर्स इंडिया में हर घर में आज की डेट में एक वाटर प्योरीफायर है बट एयर प्योरीफायर का किसी ने नाम तक नहीं सुना है ऑन दी अदर हैंड पेनेट्रेशन रेट ऑफ एयर प्योरीफायर इन कंट्रीज लाइक नॉर्थ अमेरिका इट्स मोर देन थर्टी परसेंट इन जापान इट्स मोर देन सेवनटीन परसेंट एंड इट्स ग्रोइंग लाइक एनी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में अभी तक एक भी ऐसा ब्रांड नहीं है या ये कह लो कि ब्रांड रिकॉल नहीं है किसी भी ब्रांड की सो द प्लान वॉज रेडी बिजनेस प्लान वॉज रेडी मार्केट रिसर्च हो चुका था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी वॉज रेडी इन्वेस्टर्स वर रेडी एंड आई वॉज हंड्रेड एंड टेन परसेंट श्योर कि आने वाले दस साल के अंदर अंदर इट्स गोइंग टू बी अ बिलियन डॉलर कंपनी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन दिमाग ऐसे सोच रहा था दिल कह रहा था कि मैंने अपने आप से एक कमिटमेंट किया था जब ये कंपनी शुरू भी नहीं हुई थी इमेज बाज़ार उससे काफ़ी साल पहले जब मैं अराउंड बाईस तेईस साल का था कि अगर मैं जिंदगी में कभी कुछ बन गया तब तो मैंने और बहुत सारे काम किए थे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी फैमिली की कंडीशंस काफ़ी खराब थी तो मैंने कहा था अपने आप से कि अगर मैं कभी कुछ बन गया जिंदगी में तो मैं अपने तक नहीं रखूँगा उन सारे एक्सपीरियंसिस को शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ वैसे लोगों के साथ जो मेरी तरह ही कुछ करना चाहते हैं ढाई बजे रात के इट वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ वो बिजनेस प्लान को मैंने फाड़ा मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की पूरी फाइल बनी हुई थी उसको फाड़ा जो इन्वेस्टर्स के सारे डॉक्यूमेंट्स थे सबको फाड़ा ले जा करके डस्टबिन में डाला अपना हैंडी कैम ऑन किया मतलब मैंने अपने दिल की सुनी दिमाग की नहीं उस टाइम पे हैंडी कैम ऑन किया और जो मन में चल रहा था वो रिकॉर्ड कर दिया कर दिया कि अब मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं ये करूँगा वो करूँगा अगले दिन उसको एडिट करके यूट्यूब पर डाल दिया उस वीडियो को और ऐड निकाल दी न्यूज़पेपर में फ्री लाइफ चेंजिंग सेमिनार बाय संदीप महेश्वरी और एक ऐसी चीज़ करी जिसका मुझे कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है मन में डर था बहुत कुछ था लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी क्योंकि पूरी ज़िंदगी मैंने यही किया था तो मैंने कहा अब मैं अपने दिमाग की नहीं सुनने वाला नहीं सुनने वाला और उसको करना शुरू किया शुरू में बहुत छोटे लेवल पे ऑफिस में ही एक छोटी सी जगह बना ली वहाँ पे सिर्फ 20-25 लोग आते थे मतलब कुछ था मुझे नहीं पता था इसको करके क्या होने वाला है पागलपन था बेवकूफ़ी थी ऑफिस में भी सब सोच रहे थे क्या हो रहा है क्यों हो रहा है घर वाले कह रहे थे क्या कर रहा है क्यों कर रहा है फ्री के सेमिनार्स क्या फंडा है यार और ओपन टू एनी एंड एवरीबडी कोई भी आए कहीं से भी आए पहले पच्चीस लोग आए धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हुआ उसके बाद में तीस चालीस लोग आने लगे हर हफ्ते पचास लोग आए सौ लोग आए उसके बाद में जगह कम पड़ने लग गई तो हमने एक ऑडिटोरियम हायर करना शुरू कर दिया दिल्ली में वहां पे हर हफ्ते के चार पांच सौ लोग आते थे उसके बाद में फाइनली ट्वेंटी अक्टूबर I conducted my last life-changing seminar, और मुझे वो मोमेंट याद है जब पूरा स्टेडियम भरा हुआ था और मैं वहीं साइड में खड़े होकर के देख रहा था इट वॉज़ काइंड ऑफ अनबिलीवेबल फॉर मी मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं कौन कौन है मैं किसी को जानता नहीं पहचानता नहीं और जब मैं वहाँ से नीचे उतरा तो लाइफ में पहली बार मैं रोया था मेरे साथ में और हजारों लोग उस स्टेडियम में बैठे थे कुछ ऐसा हुआ था उस दिन जो मैं अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या था वो वर्ड्स में लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करूं एक्सप्रेस करने की वो कुछ ऐसी है फीलिंग कि अगर अभी आप मुझे ऑप्शन दो कि या तो ये दस प्राइवेट जेट है ये मैं रख सकता हूं या ये जो मेरी फीलिंग है जो मैं अभी फील कर रहा हूं या जो मैंने तब फील किया ये सब करके जो मैं कर रहा हूं इन दोनों में से किसी एक चीज को मैं रख सकता हूं और दूसरे को मुझे बस हटाना होगा तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा आग लगा दूंगा दस के दस प्राइवेट जेट्स में यह है मेरे लिए सक्सेस आज के टाइम में क्योंकि ना मुझे अब जाकर के अब जाकर के असली सक्सेस जो है उसका मतलब समझ आ गया है वो ये नहीं है कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए जैसे प्रॉपर्टी कार बैंक बैलेंस कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए जिंदगी भर बस भागते रहे भागते रहे भागते रहे और जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको सोच सोच करके हम बस रोते रहे रोते रहे ये नहीं है सक्सेस ये सिर्फ एक ढोंग है दिखावा है और कुछ नहीं है असली सक्सेस है जो मैंने फील करी है जब आप कुछ ऐसा कर जाओ कि अपनी हर चीज गवाने के बाद भी हर चीज आप हंसते हंसते मर सको वो है असली सक्सैस सक्सेस थैंक्स